हाँ सो गाइस वेलकम बैक। आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अहमद भाई प्लीज अपने हॉस्टल का टूर दो, तो आज आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए आज मैं आपको अपने हॉस्टल का टूर देने वाला हूँ। देखो ये वाली जो बिल्डिंग है ये मेरे हॉस्टल की बिल्डिंग है, कॉलेज ने रेंट पे ली हुई है बिल्डिंग्स जहाँ पे हम रहते हैं। देखो यार हमारे कॉलेज में 3-4 हॉस्टल्स की बिल्डिंग है, लड़कियों की अलग है लड़कों की अलग है, और कुछ कॉलेजेस में कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, और ये चीज बस कॉलेजेस पे डिपेंड करती है। देखो हमारे हॉस्टल से भी कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, हम कॉलेज पहुंच जाते हैं। अभी चलते हैं, मैं आपको अपने हॉस्टल का टूर देता हूँ। सबसे पहले ये एक मेन गेट है, मेन गेट के साथ अंदर हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यहाँ पे जनरेटर वगैरह। यहाँ पे आप कोई भी बाहर जाता है या अंदर आता है उसको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। आप बाहर जा रहे हो अपना टाइम किस टाइम पे जा रहे हो किस जगह पे जा रहे हो ये चीज़ें लिख के जानी पड़ती है, और जब वापस आते हो तब भी आपको टाइम लिखना पड़ता है। और इस हॉस्टल में लोकल स्टूडेंट्स वगैरह नहीं रहते हैं, एक स्टूडेंट है जो लोकल है यहाँ पे, बाकी लोकल्स वगैरह नहीं रहते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे इस एरिया में यहाँ पे साइकिल्स वगैरह खड़ी रहती हैं स्टूडेंट्स की, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटीज वगैरह, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह लड़के काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रेयर रूम है, यहाँ पे हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और इधर हमारा टीवी का एरिया। तो ये सारा हुआ, अब हम चलते हैं ऊपर, आपको अपना रूम दिखाते हैं हमारे यहाँ पे रूम्स वगैरह कैसे हैं। एक और अच्छी चीज़ हमारे इस हॉस्टल की कि इसमें हमें लिफ्ट है, क्योंकि 6 तला पे मेरा रूम है और 6 तला तक जाने में टाइम लगता है काफ़ी, और गर्मियों में तो बंदा थक ही जाता है। हाँ हमारे भाई अंदर से आए, ये वाईफाई वाले बंदे आए हुए थे। अभी हम चलते हैं अपने रूम में, अभी मैं आपको अपने रूम का टूर वगैरह देता हूँ। देखो यार ये हॉस्टल्स वगैरह डिपेंड करते हैं हर कॉलेज में। देखो हम तो ये फ्लैट में रहते हैं तो इसमें तो ये रूम्स डिफरेंट तरह के, कॉलेज में जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं वहाँ के रूम डिफरेंट होते हैं, वहाँ के कॉमन एक साइड पे वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, एक साइड पे टॉयलेट की अलग से होती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमें हर एक रूम के साथ अटैच वॉशरूम वगैरह है। इस साइड भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और हमारा यहाँ पे चलते हैं। पहले यहाँ पे भी वुडन कंपार्टमेंट्स बनाए होते थे, यहाँ पे भी लड़के रहते थे, लेकिन अभी वो सारा कुछ यहाँ से नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक फ्लोर में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं। हर फ्लोर में 5 एक साइड कमरे हैं और 5 दूसरी साइड कमरे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इस कमरे में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, इसमें 2 रहते हैं, इसमें 1 रहता है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही रूम्स और वहाँ पे भी ऐसे ही स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं। अभी हम चलते हैं अपने रूम में और अभी आपको अपने रूम का टूर देते हैं। तो ये है जी मेरा रूम, ये है मेरे रूममेट का एरिया, ये है मेरा बेड, यहाँ पे मैं रहता हूँ, इधर मेरा रूममेट रहता है, उधर हमारा एप्रन वगैरह, और बस ये सीन है, ये रूम है, और बाकी बाहर का ये व्यू होता है, काफ़ी अच्छा व्यू है इस टाइम का। और ये है मेरा स्टडी टेबल, इसमें भी थोड़ा जुगाड़ वगैरह किया हुआ है, ये जैसे जुगाड़ की स्टडी लाइट, और बाकी ब्रश वगैरह का सामान मेरा यहाँ पे ही रहता है, क्योंकि जैसा ही बेड से उठो तो उसी टाइम ब्रश कर लो, या जब सोने से पहले उसी टाइम यहाँ से ब्रश करके फिर वॉशरूम में जाके जो आपको मुंह वगैरह धोना है वो कर लो। स्टडी टेबल के नीचे हमने एक ड्रॉअर रखा हुआ है, उसके अंदर हमने स्टोरेज एरिया बनाया हुआ है, कपड़े वगैरह रखते हैं या फिर कुछ बुक्स वगैरह होती है वो सारे उसी में ही रख देते हैं। और की एक हमारे पास अलमीरा अलग से है जिसमें हम अपना स्टोरेज के लिए सामान वगैरह रखते हैं। एंड बाकी अगर आपको लग रहा है कि अहमद भाई आप स्टोर कहाँ पे करते हो सामान, जैसे इंडिया से आप सामान अपने बैग्स वगैरह लाते हो वो कहाँ पे रखते हो, वो सारे बेड के नीचे, जैसे वहाँ पे और यहाँ पे भी, और जब जाते हैं यहाँ से ही निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारा अटैच वॉशरूम, जैसे मैंने आपको बताया कि अटैच वॉशरूम होते हैं, हमें भी अटैच वॉशरूम वगैरह मिले हुए हैं अपने हॉस्टल में। तो वैसे ये चीजें ना पूरी डिपेंड करती हैं किस कॉलेज में जा रहे हो। अभी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ हॉस्टल्स में मैट्रेस वगैरह और तकिया वगैरह नहीं देते हैं, और जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तब हमें कॉलेज ने मैट्रेस बेडशीट पिल्लो कवर ब्लैंकेट का कवर ये सारा कुछ कॉलेज ने हमें प्रोवाइड करके दिया था। लेकिन अभी ऐसा होता है कि आपको अभी कॉलेज सिर्फ एक मैट्रेस देता है और साथ में एक तकिया देता है, बाकी चीजें सारी आपको खुद लेनी पड़ती हैं। और कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पे आपको सारी चीजें खुद लेनी पड़ती हैं बाहर जाके, इसलिए मैं कहता हूं कोई भी फर्स्ट टाइम आ रहा होता है ना, जब बांग्लादेश में आप स्टूडेंट हो तो मिनिमम भी 40,000 इंडियन रुपीज साथ लेके आओ, या फिर आप अगर आपके पास इंटरनेशनल वीजा कार्ड है तो वो साथ में लेके आओ, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें लेनी है। और फर्स्ट ईयर में जब आते हो आपको बॉन्ड्स वगैरह भी लेनी होती हैं, वो भी 35,000 या 40,000 बांग्लादेशी टका में आती हैं, वो तो आप चलो दो रूममेट मिलके या दो स्टडी मेट्स मिलके आप लेते हो तो उसमें वो लग जाता है 15,000। बाकी जो होता है बुक्स वगैरह लेना और बाकी ये जैसे रूम का सामान वगैरह लेना, ये सारी चीजों में बाकी पैसा लग जाता है। अब देखो यार अकॉर्डिंग टू मी मेरा हॉस्टल काफी अच्छा है। देखो मैंने ऐसे भी हॉस्टल्स यहाँ पे देखे हैं जहाँ पे इवन के इंडिया में भी वैसे देखे,
ये जो दीवारों के रंग होता है ना, ये उतरा हुआ होता है। तो ये तो फिर भी हमारे इंटैक्ट है, ये बिल्कुल नई बिल्डिंग थी जब हम यहाँ पे आए थे इस हॉस्टल में, तो मेरी नजरों में तो बहुत अच्छा है। बाकी वहां पे हम रखते हैं पानी वगैरह, पानी की बॉटल रखते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी में आयरन बहुत है, पीने के लायक पानी होता नहीं है, वो आयरन वगैरह बहुत ज्यादा है। फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं लेकिन वो दूसरे दिन ही चोक हो जाते हैं आयरन की वजह से, तो इस वजह से हमने बाहर से पानी लगवाया हुआ है, बाहर से पानी आता है तो वही पीते हैं। अभी एक और चीज है कि जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं कि अहमद भाई क्या हमें वहां पे बांग्लादेश में हॉस्टल्स वगैरह में किचन वगैरह मिलता है? देखो यार, इंडिया में भी कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे आपको किचन मिलता है, और यहां पे भी नहीं मिलेगा। क्यों कोई कॉलेज देगा आपको किचन जब कॉलेजेस के अपने अपने मेस से, और ऊपर से अगर आप यहां पे किचन डालोगे, मेरे एक फ्लोर में 10-10-20 लड़के रहते हैं, 20 लड़के यहां पे अगर खाना बनाने लग गए तो कॉलेज का 20 लड़कों का कितना, 1-1 लाख रुपया पर मंथ का बिल आने लग जाएगा। ऐसा कोई करेगा? कोई कॉलेज अलो नहीं करता है खाना बनाने का हॉस्टल्स में। देखो यार, अगर आप कर सकते हो तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल में बना लेते हैं। देखो, जब चेकिंग करने के लिए आते हैं तो छुपा लो, एक ये तरीका। वैसे ये चीज मुझे बतानी नहीं चाहिए लेकिन क्या क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसको करना था वो ऐसे भी करेगा, ये हर हॉस्टल में होता है। सो गाइस, बस ये था हमारा हॉस्टल टूर। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास और कोई क्वेरीज हैं, अगर आपको कुछ और चीज पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे जवाब दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दे दूंगा। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।